केरल में जो ब्लास्ट हुआ है ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का सिलसिला है, इसकी जांच। बात यही है, इनका मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नफरत के बाजार के में रहने वाले लोग हैं, नफरत के बिना ये राजनीति कर ही नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राम का आशीर्वाद सबको मिले, कोई भाजपा को अकेले में क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले, कांग्रेस को क्यों नहीं मिले, बीजेपी हम लोग के राम विरोधी हैं क्या? लगातार बीजेपी का टिकट बदलने को लेकर क्या संभावना है? आप हमारी हमको अपना काम की बात सुन लो। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, इसलिए कभी कभी गलत फहमी में रहते हैं। ना इंदिरा जी ने स्टे लगाया, ना भारतीय जनता पार्टी ने स्टे खोला, ये कार्य तो अदालत करती है, इसलिए कोई पार्टी पर आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस पार्टी में हम सबने हमेशा से कहा हुआ है, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कानून बना है कि न्यायालयीन फैसला सब कबूल करेंगे, सबने कबूल कर लिया, लेकिन इसके बाद और कोई मंदिर को या मस्जिद को, गुरुद्वारा को, चर्च को, उसका जिस धर्म का प्रतीक है वो नहीं बदला जाएगा, ये भारत का कानून है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि कांग्रेस किसके विरोध में है, राम के विरोध में है या मंदिर के विरोध में है? देखिए, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, अच्छा हिंदू हूँ, राम हमारे इष्ट देव हैं, सनातन धर्म का हम पालन करते हैं, लेकिन चुनाव में धर्म का उपयोग करना प्रतिबंधित है और राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000 और वो चेक मैंने भेजा मोदी जी को कि जाके ट्रस्ट में जमा करा दीजिए, उन्होंने वापस भेज दिया कि आप ही जमा कराइए, मैंने वहां जमा करा दिया। बागियों को आपने मंच से अभी कहा कि जो लोग टिकट नहीं मिला है ऐसे बागी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत सारे लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गए थे, तो बागियों को मनाने के लिए आपको जिम्मेदारी? बात यह है 1985 भैया मैं यही कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। शिवराज जी कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका खुद लड़ते हैं टिकटों को लेकर और हम पे दोष देते हैं, वो अपना ख्याल रखे, हम अपना निपटा लेंगे। सर, बीजेपी कह रही है कि केरल में, बीजेपी कह रही है केरल में हमास के लोग रैली कर रहे हैं और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। झूठ झूठ झूठ। सर फिर आपका रोल नेक्स्ट नेक्स्ट त्रिवेदी का यह भी आरोप है कि केरल में जो ब्लास्ट हुआ है ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का सिलसिला है, इसकी जांच। बात यही है, इनका मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नफरत के बाजार के में रहने वाले लोग हैं, नफरत के बिना ये राजनीति कर ही नहीं सकते। नाराज ये काम को मनाने आए हैं। कपड़े फेंकने वाला जो एपिसोड है पीछे छोड़ रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस को तीन परिवार चला रहे हैं, गांधी परिवार ऑर्डर देता है, कमलनाथ परिवार इम्प्लीमेंट करता है और कुछ गड़बड़ होती है तो दिग्गज जी के कपड़े उनको क्या आपत्ति है? सर, अमित शाह 3 मिनट की मध्यप्रदेश दौरे पर है, नाराज नेताओं को लेकर कह रहे हैं कि उनको इस बार बात ये है, एक तरफ तो वो अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में, मेरा ये आरोप है और ये अगर होता है तो आपको पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह के पास कहां कहां की जानकारी रहती है। तो किसके पे छापे का आपको आशंका? अगले 4 दिन में देख लो। आचार संहिता के दौरान भी सरकार 2 बार 1,000,000 करोड़ रूपये कर्जा ले चुकी है अभी 3 दिन के अंदर। भैया,
आज यदि देखो, मैंने थोड़ा आंकलन किया, जो स्काई योजना है उस स्काई योजना में जितना लाभ हितग्राहियों को नहीं हुआ उससे कम से कम 10 गुना लाभ एड एजेंसीज को हो गया, और उन एड एजेंसीज में से आधा रुपया भाजपा के नेताओं ने खुद रख लिया। मेरे पास तो प्रमाण आए हैं। सिंधिया जो है, सिंधिया जब बीजेपी में है तो उनका ज्यादा वर्चस्व देखने को मिल रहा है। अभी देखिए टिकट का ऐलान हुआ तो गुना से जो गोपीलाल जाटव उनका टिकट कट गया और उनके दूसरे शाह को मिल गया, पन्नालाल को मिल गया। पन्नालाल शाह नहीं, पन्नालाल शाह के टिकट उनका नहीं है, आरएसएस का। उनका टिकट जो था एक निकिन मुकिन निकुंज था, उसका टिकट कट गया। गोपीलाल उनका कैंडिडेट नहीं है, इसलिए ना पन्नालाल उनका कैंडिडेट है। गोपीलाल पुराना भाजपा का नेता रहा है, और पन्नालाल जो है सिंधिया जी भाजपा में गए उसके पहले से एमएलए रह चुके हैं। सर गुना से मुकेश टंडन को उतार दिया, काशी सर गुना से ऐसा है। मुकेश टंडन और शिवराज सिंह चौहान की जो दोस्ती है उसका तो लाभ मिलेगा मुकेश टंडन। सवाल है मेरा कि बीजेपी लास्ट आपका है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डूबता जहाज है, लेकिन उसी जहाज पर 230 सीटों पर 5 लाख लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या वजह? अपने आप में ये बात साबित होती है कि कांग्रेस विचारधारा कभी नहीं डूब सकती, क्योंकि ये सनातनी परंपराओं की विचारधारा है। और जैसा कि अभी आभा नारे लगा रही थी, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यही तो सनातन धर्म है, यही कांग्रेस की विचारधारा है, यही गांधी की विचारधारा थी और यही भारतीय संविधान है। बीजेपी ने कर्नाटक में अनुमान जिला है, उसके बाद अब राम राम जिला है, 4 दिन हो गए मध्य प्रदेश में, राम जी का आशीर्वाद मिलेगा? देखो भगवान राम का आशीर्वाद सबको मिलेगा।